हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज अधिनियम कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का पार्ट थ्री मैं भाग तीन लेके आया हूं। मैं इससे पहले मैं दो वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी वाला प्लेलिस्ट दबा के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कितने दिनों के अंदर बुलाया जाएगा? एक मास, दो मास, तीन मास या छह मास? इसमें से आपको कोई एक आंसर बताना है। सही आंसर ए आएगा, एक मास के अंदर बुलाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा? अध्यक्ष, सचिव, समिति का वरिष्ठ सदस्य या कलेक्टर? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कलेक्टर बुलाएगा। मंडी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दो वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या छह वर्ष? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, पांच वर्ष होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल गिना जाएगा उनके चुनाव के दिन से, उनके चुनाव जीतने के दिन से, उनके शपथ ग्रहण के दिन से या मंडी समिति के प्रथम सम्मेलन की तारीख से? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, मंडी समिति के प्रथम सम्मेलन की तारीख से। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मंडी समिति के उपाध्यक्ष या कोई सदस्य त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देगा? अध्यक्ष को देगा, सचिव को देगा, कलेक्टर को देगा या कोषा अध्यक्ष को देगा? सही आंसर इसमें सी आएगा, कलेक्टर को देगा। यहाँ पर अध्यक्ष भी अगर त्याग पत्र देना चाहे तो कलेक्टर को देगा। अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या कोई भी सदस्य, इसमें साफ कहा गया कंडिका में अगर त्याग पत्र देना चाहे, पद छोड़ना चाहे तो कलेक्टर को संबोधित करते हुए देगा। यदि कोई व्यक्ति किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष है और यदि वह मंडी समिति का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो वह लिखित में एक सूचना विहित प्राधिकारी को कितने दिन के अंदर देगा कि वह किसी एक पद पर रहना चाहता, वह किस पद पर रहना चाहता है? मैंने एक साथ आप दो पद को धारण नहीं कर सकते, मैंने कोई ना कोई एक पद आपको रखना होगा और एक पद छोड़ना होगा। कहा गया कितने दिन के अंदर आपको भीत प्राधिकारी को ये जानकारी देनी होगी कि आपको कौन सा पद चाहिए, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर ए आएगा, 30 दिन के अंदर। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, मंडी समिति किसी पद के रिक्त होने पर कितने दिन के अंदर रिक्ति भर लेनी चाहिए? ये क्वेश्चन है, एक माह, तीन माह, चार माह या छह माह? सही आंसर डी आएगा, छह माह। वैसे भी संवैधानिक कोई भी पद 6 महीने से ज्यादा के लिए खाली नहीं रहेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे संविधान की बात हो या कोई भी बात हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मंडी समिति का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस धारा में बताया गया है? ये आपको बताना है, धारा 13, धारा 13 का, धारा 13 खा या धारा 13 ग? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, धारा 13 का में मंडी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है समिति के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 मत द्वारा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 1/3 मत द्वारा? उपरोक्त में से क्या सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन? सही इसमें आंसर सी आएगा, केवल एक एवं दो। दोनों कंडिकाएं बताई गई है,
माने किसी भी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है और हटाने का जो तरीका है, इस समिति के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा हटाया जाएगा एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 दो तिहाई मत द्वारा हटाया जा सकता है। ये दोनों कंडिका इसमें है, ये दोनों कंडिका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मंडी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? आधे सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य या 1/10 सदस्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, कम से कम 1/3 सदस्य से अन्यून नहीं होना चाहिए, उससे अधिक चलेगा, 1/3 सदस्य होने चाहिए, उसके हस्ताक्षर पर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मंडी समिति का सम्मेलन विहित रीति से समिति के कुल सदस्यों का 1/3 अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्ति की तिथि से कितने दिन के भीतर बुलाया जाएगा? अर्थात 1/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया है कि भैया हमको बुलाना है, तो इसके कितने दिन बाद सम्मेलन बुलाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध किया जाएगा? क्वेश्चन का ये कहना है 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, इसमें से आपको बताना है। इसमें भी आंसर भी आएगा 30 दिन, तब मैं 30 दिन विशेष करके आ रहा, मैंने जब भी 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके बोलेंगे भाई मुझे अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो उसके जिस दिन हस्ताक्षर करके दिया जाएगा सदस्य को, उसी दिन से बोला जाए तो अध्यक्ष को या कलेक्टर को, तो मान के चलिए उसी दिन से 30 दिन गिना जाएगा, 30 दिन के अंदर सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो संचालक से अवकाश लिए बिना समिति का निरंतर कितने बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा? मैंने बिना बताए, मैंने संचालक से आप परमिशन ले ही नहीं रहे हो और बिना बताए आप कितने बैठक में निरंतर कितने बैठक में गायब रहोगे तो आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष से हटा दिया जाएगा। 2, 3, 4 या 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा 3। तीन लगातार तीन कार्यकाल में तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहोगे। क्वेश्चन यहां पर आता है, किसी भी दशा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मंडी समिति के निरंतर कितने बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी? 3, 4, 5 या 6। मान लो संचालक से आपने अनुमति ले दी हम बीमार हैं तो आपको कितना छूट दिया जाएगा, इतने बैठक में आप अनुपस्थित रह सकते हो, इसके बाद नहीं। 3, 4, 5, 6। सही आंसर डी आएगा 6, इससे ज्यादा नहीं, इसके ज्यादा आपको हटा दिया जाएगा, कोई दूसरा नियुक्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गण पूर्ति किस धारा में दिया गया है? धारा 12, धारा 13 का, धारा 14 या धारा 15, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, धारा 15 में जो है मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया का बताया गया और गण पूर्ति ये बताया गया धारा 15 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य किस धारा में बताया गया है? 15, 16, धारा 17 या धारा 18, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 17 में मंडी समिति की शक्तियां और कर्तव्य को बताया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, मंडीकृत कार्यों के आचरण का पर्यवेक्षण कौन करता है? मंडीकृत कार्यों के आचरण का पर्यवेक्षण कौन करता है? मंडी समिति, राज्य सरकार, कलेक्टर या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मंडी समिति करेगा। उप समितियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, मंडी समिति, कलेक्टर या केंद्र सरकार? सही आंसर इसका बी आएगा, मंडी समिति। मंडी समिति अपने कार्यों को हल्का करने के लिए उप समिति बना सकती है और उसको अपने कार्यों को सौंप सकती है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रत्येक मंडी समिति अधिसूचित कृषि उपज पर ऐसी दरों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कीमत के प्रत्येक 100 रुपए पर न्यूनतम कितने रुपए की दर से मंडी फीस लेगी। यहाँ पर फीस होना चाहिए था ना, मंडी फीस लेगी, तो यहाँ पर आपका है न्यूनतम पूछा है, यहाँ पर 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए। सही आंसर ये आएगा 50 पैसे के हिसाब से लेगी न्यूनतम, अधिकतम क्या लेगी 2 रुपए, अधिकतम पूछेगा 2 रुपए, न्यूनतम पूछेगा 50 पैसे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति किस धारा में बताया गया है, मंडी फीस लेने की शक्ति किस धारा में बताया गया, धारा 17, धारा 18, धारा 19 या धारा 20, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 19 में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि मंडी फीस अधिसूचित कृषि उपज के खालिस्थान द्वारा संदेह होगी, क्रेता द्वारा, विक्रेता द्वारा, सरकार द्वारा या ए एवं बी द्वारा, इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर इसका ए आएगा, क्रेता द्वारा संदेह होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आप लोग वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।